सामने है ये माल रोड, हम अपना बाइक रेंटल ढूंढते हैं, उसके लिए यहाँ चलना पड़ेगा हमें। मनाली में ये है हमारी बाइक जो हमारे सफ़र में हमें साथ देगी। इस बाइक को लेके ही हम सॉयल विलेज जाएंगे और इसका जो रेंट पे किया है मनाली के अंदर 750 रुपये पे किया है और यहाँ से सॉयल ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर है। सो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो हाल फिलहाल अभी हम हैं खजला वाटरफॉल पे और अब बारी है ड्रोन उड़ाने की। पीछे वाटरफॉल आप देख सकते हो, ये वाटरफॉल है जो कि वहाँ पे है और पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। इसके अलावा आपको खाने पीने की भी सामान यहाँ पर मिल ही जाएगा और वो है मोहित जो कि DSLR से कुछ फोटेजेस ले रहा है। सो ये देख सकते हो आप, पानी के अंदर बैठ के खाना खाने का मज़ा ही अलग है। खजला वाटरफॉल से अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि हमें जाना है एक्चुअल में सॉयल विलेज। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। ये देखो ये ट्यूब्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं और बाइक हमारी वहाँ पार्किंग पे लगी हुई है। हमारा तो टाइम बहुत अच्छा बीता है यहाँ से। सो फटाफट बाइक के पास पहुँचते हैं और निकलते हैं आगे। तो भाई साहब, सॉयल विलेज के लिए अगर आप बाइक ला रहे हो तो बाइक को यहाँ लेके आ सकते हो। लास्ट हमने पीछे खड़ी करी थी, फिर एक लोकल ने बोला कि भैया बाइक लेके आप आगे चले जाओ। सो बाइक लेके हम आ गए, हमने बाइक यहाँ लगा दी है। जो मेन कैंपिंग एरिया है वो जंगल जंक्शन कैफ़े की तरफ है और यहाँ से वो 300 मीटर पड़ेगा। सो हम लोग चलते हैं आगे जंगल जंक्शन कैफ़े की तरफ। सो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं जंगल जंक्शन कैफ़े के पास। यह जंगल जंक्शन कैफे और ये है वो रिवर और काफ़ी सारी कैंपिंग लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे आप चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा एक दो स्पॉट है जहाँ पे आप नहा भी सकते हो। इसके अंदर कैफेज बहुत सारे बने हुए हैं। लोकेशन तो इतनी ख़तरनाक है कि बस पूछो मत। यहाँ पे जिप लाइन की भी एक्टिविटी होती है, वो देख रहे हो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है और वो आगे तक जाती है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कैसा है एरिया। सॉयल विलेज तो वैसे काफ़ी खूबसूरत है बट इसके अंदर एक दो ऐसी लोकेशन है जो आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि एक नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है सामने आप देख सकते हो। यहाँ इसके अंदर आप नहा सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल स्विमिंग पूल है ये। और यहाँ पे आने के लिए आपको जो जंगल जंक्शन कैफ़े है उसके सामने जो ब्रिज है उसको क्रॉस करोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड पे एक रास्ता ऊपर की साइड पे चढ़ रहा होगा तो आपको वहाँ आना पड़ेगा और इस बंदे की तरह आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, डूबने का कोई डर है नहीं। सो मैं आपको बोलूँगा एक बार ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ कैंपिंग के क्या रेट हैं। कैंपिंग अगर आपके यहाँ करते कितने रुपये लेते हो आप? कैंपिंग का लेते हैं हम लोग 2000 रुपये। 2000 लेते हैं एक टेंट का, उसमें दो आदमी रहते हैं और उसमें क्लूड इंक्लूड है, शाम को डिनर है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है। हाँ, अगर नॉन वेज अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हाँ जी, चिकन का 150 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बाकी और भी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास, और भी है तो आप यहाँ आ सकते हो। ठीक है, ये अंकल मिलेंगे आपको, वो ब्रिज क्रॉस करके आओगे ना आप इधर की साइड में, वहाँ से राइट हैंड की तरफ, तो ये अंकल मिलेंगे। इसके अलावा आपको बियर भी मिलेगी यहाँ पे। सो अगर आप कैंपिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ आ सकते हो। अब बारी हमारी यहाँ से निकलने की है, सो हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए थे। कितने बजे पहुँच गए थे अपन? 12 बजे। सो 12 बजे आए थे हम और अभी शाम के 4:30 बज रहे, निकलने का टाइम हो गया हमारा यहाँ से। ये जंगल जंक्शन कैफ़े है
और वो कैंप वहाँ है, और भी बहुत सारे हैं, आप पता कर सकते हो यहाँ पे आके। जंगल जंक्शन कैफ़े की तरफ से जहाँ पे रिवर बहती है वहाँ से निकल के आ गए, पर ये बाइक हमारी यहाँ रही। सो अब बारी हमारी यहाँ से निकल के फटाफट पहुँचने की मनाली। सो फटाफट निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं मनाली।